साथ संगत जी, प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी, आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो। आइए विचार करते हैं कि दशहरा हम लोग क्यों मनाते हैं, दशहरे के दिन क्या होता है। तो दशहरा का मतलब यानी दस शीश वाला रावण आज हार गया, इसी खुशी में हम लोग दशहरा मनाते हैं और रावण का पुतला भी जलाया जाता है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि रावण का पुतला हम लोग हर साल जलाते हैं, हर दशहरे में जलाते हैं, लेकिन फिर भी रावण जल नहीं पाता है, फिर अगले साल जलाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? आइए इसी पे विचार करते हैं। भाई जब एक बार किसी को जला दिया गया तो फिर दोबारा जलाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब कि वो जला नहीं, तभी तो फिर दोबारा जला रहे हैं। अगर जो जल जाएगा, अगर किसी को हम ले गए जलाने के लिए, वो जल गया तो फिर दोबारा जलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब कि वो जला नहीं, तभी हम लोग फिर दोबारा जलाते हैं। यानी हर साल रावण को जलाने का प्रयास करते हैं लेकिन रावण जल नहीं पाता है। तो आखिर क्यों नहीं जल पाता है, इसी विषय पे बात किया जाए, आप सभी से चर्चा की जाए। हमसे किसी ने पूछा कि भाई हर साल रावण को जलाते हैं, ये रावण जल क्यों नहीं पाता है? तो किसी महापुरुष ने उत्तर दिया कि देखिए, रावण को तो हम लोग जलाते हैं, हर दशहरे पे जलाते हैं, लेकिन हम लोग नकली रावण को जलाते हैं। हम लोग नकली रावण को जलाते हैं। लोगों ने कहा नकली रावण है? हाँ भाई, नकली ही तो रावण है। उसका पुतला बना करके, रावण का पुतला बना करके, उसके आंख में, नाक में, कान में, मुंह में पटाखा भर करके, और पुतला दफ्ती का बना करके, कागज का पूरा उसमें पटाखा और गुब्बारा ये सब डाल करके, कागज पुर्जे बम और डाल करके, और उसको जलाते हैं। तो ये नकली ही तो रावण बनाते हैं। मैंने कहा नकली रावण है? हाँ भाई हाँ, ये जो पुतला हम बना करके जलाते हैं रावण का, ये नकली रावण है। तब पता लगाया जाए कि असली रावण कहाँ है। अगर हम हर साल नकली रावण को जलाते रहे हैं तो फिर असली रावण कहाँ है? तो आइए अगर देखा जाए ध्यान से, तो असली रावण तो यहां बैठा हुआ है। असली रावण तो हमारे मनों में, हमारे दिलों में बैठा हुआ है, जो अहंकार रूपी रावण है, जो क्रोध रूपी रावण है, जो नफरत रूपी रावण है, लोभ रूपी रावण है, कामना रूपी रावण है, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या अहंकार रूपी जो रावण है, ये तो रावण हमारे मनों में बैठा हुआ है। यानी जब तक इस रावण को नहीं जलाएंगे, जो मनों में बैठा हुआ रावण है, जो मनों में जुगो जुगो से बैठा हुआ यह अंधकार है, जब तक इसको नहीं जलाएंगे, जब तक इसमें ज्ञान का दीप नहीं जलाएंगे, तब तक ये रावण जलने वाला नहीं है, चाहे कितना हो साल हम रावण को जलाते रहे। तो आइए आज यही विनती, यही रिक्वेस्ट, यही प्रार्थना किया जा रहा है कि हम अपने मनों में बैठे हुए अहंकार को, जात के अहंकार, मजहब का अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, चाहे जिस चीज का भी अहंकार हो, जब तक इसको नहीं जलाएंगे तब तक रावण जलने वाला नहीं है। आइए कुछ लाइनें जो है सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की रचित कुछ लाइनें हैं कि दशहरे के दिन रावण के पुतले सभी जलाते हैं, दशहरे के दिन रावण के पुतले सभी जलाते हैं, जोर शोर से सभी राम की जय जयकार बुलाते हैं, रावण को धिक्कार रहे पर अनुसरण उसका करते। रावण को धिक्कार रहे लेकिन अनुसरण उसी का करते, जिस मार्ग पर चला था रावण उसी रास्ते पग धरते, जिस रास्ते रावण चला था उसी रास्ते पे हम भी पग धरते हैं, फिर हम रावण को कैसे जला सकते हैं? रावण का प्रतीक जलाना सफल तभी कहलाएगा मन में जो अभिमान का रावण बैठा है जब जल जाएगा, जो मन में अभिमान का रावण है बैठा है जब जल जाएगा तब जाकर के सफल कहलाएगा। राम की जय जयकार तभी है राम के गुण जो अपनाओ, दया धर्म को मन में धारो, प्रेम सभी पर बरसाओ, प्रभु राम की तरह हमेशा मर्यादा में रहना है,
हरदम ही रसना से अपनी मधुर वचन ही कहना है। रोम रोम में राम बसेगा, राम राज्य आ जाएगा, कहें हरदेव ब्रह्म ज्ञान से जग सारा सुख पाएगा, कहें हरदेव ब्रह्म ज्ञान से जग सारा सुख पाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान रूपी जब दीपक इस मन में जलाएंगे तब अहंकार का नाश होगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही, तो ये अंधकार तभी दूर होगा। तो दशहरे के दिन जो है ये पांच कर्म इंद्रिया और पांच ज्ञानेन्द्रिया, इन पे जब विजय प्राप्त कर लिया जाता है तो दशहरा हो जाता है। इन दसों को हराना है, यही तो दशहरा है। हमारी पांच कर्म इंद्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिया है, इस पे विजय प्राप्त करना है। बिन सत्संग विवेक न होई, और इस पे विजय विवेक से हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, आप सभी तो खुद ब्रह्म ज्ञानी है, आप सभी खुद जानने वाले हैं। दास जो है बस इस पे एक विचार कर रहा है, एक चर्चा कर रहा है। आप सभी अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, अगर कुछ सुझाव हो तो आप सुझाव भी देने का कृपा कीजिएगा। दास से अगर कुछ ऐसे शब्द निकल गए हो तो विचार यही करना है कि आज दशहरा है और दशहरे के दिन हम लोग रावण को जलाते हैं, तो असली रावण को जलाया जाए। रावण ने कहा राम से कि ये राम, मैं तुमसे हर मायने में बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं आज तुमसे हार रहा हूं, जानते हो क्यों? राम जी ने कहा क्यों? रावण ने कहा मैं जाति में तुमसे बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हार रहा हूं, जानते हो क्यों? उसका एक ही कारण है। राम जी ने कहा क्या कारण है? रावण ने कहा मैं उम्र में भी बड़ा हूं, लेकिन फिर भी आज मैं तुमसे हार रहा हूं, जानते हो क्यों? राम जी ने कहा क्यों? रावण ने कहा उसका एक ही कारण है। प्रभु ने कहा क्या कारण है? रावण ने कहा मैं धन में भी तुमसे आगे हूं। अरे तुम्हारे अयोध्या में थोड़ा सा सोना होगा और हमारी तो पूरी लंका ही सोने की है। मैं धन में भी तुमसे आगे हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे आज हार रहा हूं, जानते हो क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा क्यों? मधुर स्वर में कहा क्यों? रावण ने कहा मैं जन में भी तुमसे आगे हूं। अरे भाई तुम चार भाई हो और हमारे यहां तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हार रहा हूं, आज जानते हो क्यों? उसका एक ही कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा क्यों? रावण ने कहा मैं इसलिए हार रहा हूं कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ है और मेरा भाई विभीषण मेरे साथ नहीं है। सत्संग जी, इसीलिए अपने भाई को, कुटुंब को, परिवार को जोड़ना है, ना कि तोड़ना है। इससे भी एक शिक्षा मिलती है हमें। आज निरंकारी मिशन यही कह रहा है कि कण कण से शिक्षा, तो हमें रावण से भी शिक्षा लेना है। उसने अपने भाई को दूतकार दिया था और भाई को अपने साथ मिला करके रखना है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोइए जो टूटे मुक्ता हार। तो अपने रूठे हुए सुजन को मना करके रहना है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। आप सभी को एक बार फिर दशहरे की बहुत बहुत बधाई। हरि भजन दास ऑफिशियल चैनल के तरफ से आप सभी को हैप्पी विजयादशमी, हैप्पी दशहरा, और दिवाली भी करीब आ रहा है। फिर दिवाली के दिन भी दास जो है आप सभी से रूबरू होगा। सत्संग जी प्यार से कहिए धाम निरंकार जी।